कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम अपने इस कोर्स की कहानी आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट की शुरुआत। मिनिमम वेजेस एक्ट यानी कम से कम आपको कितनी वेजेस देनी है। मिनिमम वेजेस का अमाउंट तय किया जाता है, ठीक है जी। तो ये एक्ट है दोस्तों, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में दोस्तों ये पास हुआ था, ठीक है दोस्तों। और वो डेट थी 15 मार्च 1948, 15th of March 1948। सवाल आता है, भाई ये मिनिमम वेजेस एक्ट लेबर लॉ का इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये लेबर लॉ का इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, आखिरकार ये आया क्यों? दोस्तों, जरूरत जब पड़ती है ना, जरूरत जब इंसान भूखों मर रहा हो तो उसे तो दो रोटी के पैसे मिल जाएं तब भी अपना पूरा दिन मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। भूख ऐसी चीज है दोस्तों, और कहते भी हैं कि भूख मौत से बड़ी होती है। भूख मौत से बड़ी होती है, रात खाया सुबह फिर खड़ी होती है। मौत तो एक बार आनी है भाई, भूख बार बार लगती है। तो जरा सोचो, स्टारवेशन के स्टेज पे अगर कोई पहुंच गया हो वर्कर, तो भैया वो दो रोटी के लिए मुट्ठी भर अनाज के लिए भी काम करेगा। और एग्रीकल्चरल इंडिया का इतना बड़ा ये इतिहास रहा है जहां इन मजदूरों की मजदूरी के लिए, पूरे दिन भर की मजदूरी के लिए मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था जमींदारों के द्वारा। उसके अलावा और भी इंप्लॉयमेंट्स ऐसी थी जहां पर बहुत ही मीगर वेजेस के लिए इन लोगों का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए जिम्मेदार कौन लोग थे? पैसे वाले लोग। वो क्लास जिसने फैक्ट्रीज लगाई, इन गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाया, एक्सप्लॉइट किया उन्हें लगातार। और उससे पुराने जमाने में चले जाएं तो भाई बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर तक थी, जरा सोचिए। तो ऐसी सिचुएशन से निकल करके हमारा देश जब आगे आया तो धीरे धीरे जरूरत महसूस हुई कि भैया अब वेजेस के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। एक एक्ट था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कि कब कब पेमेंट करनी है, 1936 में अप्लाई हुआ था। लेकिन मिनिमम वेजेस कितनी मिलनी चाहिए, इस बात का सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार था। और जब ये पाप का घड़ा भर गया इन लोगों का, तो भैया सरकार अपने इस लॉ के साथ आ गई जिसका नाम था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस एक्ट के तहत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये क्या होती है मैं बताऊंगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ये बात तय है। बट इस एक्ट के तहत, इस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत बहुत सारी इंप्लॉयमेंट्स को एक शेड्यूल में लाया गया। कहा गया कि भैया सारी इंप्लॉयमेंट की लिस्ट बनाओ, और उसे कह दिया गया कि ये पूरा शेड्यूल तैयार हो गया जी। और क्योंकि वो इस शेड्यूल में थी, इसीलिए उन सारी एम्प्लॉयमेंट को कह दिया गया शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। क्या कह दिया गया? शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट थी भाई,
इस सारे के सारे शेड्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। शेड्यूल दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट वन और पार्ट टू। इस पूरे शेड्यूल में कितने पार्ट्स थे? पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में टोटल 21 एम्प्लॉयमेंट्स थी। कितनी थी? 21 एम्प्लॉयमेंट, यानी 21 एम्प्लॉयमेंट के इन्होंने नाम लिखे कि भैया 21 एम्प्लॉयमेंट्स हैं ये, और ये 21 तरह के नाम लिखे हुए हैं यहां पर। और इसी शेड्यूल्ड, इसी शेड्यूल के हिसाब से क्या होगा, हम किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट पर ये सेक्शन लगाएंगे कि भैया तुम्हारे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में इतनी मिनिमम वेजेस अप्लाई होती है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो भैया पार्ट वन में 21 एम्प्लॉयमेंट लिख दी गई, लिस्ट बना दी गई, और पार्ट टू में केवल एक और सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट रखी गई, और वो क्या थी? एग्रीकल्चर। अलग से रखा गया इसे, और अलग से रखे जाने का भैया कारण साफ है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान देश था भैया, और सबसे ज्यादा अगर ये चीज वहां देखी जा रही थी तो इसी एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में ये चीज देखी जा रही थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही सबसे ज्यादा ये चीज देखी गई। हां, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ यहां पर भी, इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो हर जगह ये बिल्कुल व्याप्त हो गया था, हर जगह फैल गई ये सब चीजें, बट उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ही तो ये एक्ट आया। तो भाई एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह की हो, इस एम्प्लॉयमेंट में एक है एम्प्लॉयर और दूसरा है एम्प्लॉई। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो भैया इस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में इस मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो ये शेड्यूल्ड बनाया गया, इस शेड्यूल के इस मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से जितनी भी एम्प्लॉयमेंट थी उन सारी एम्प्लॉयमेंट में ये चीज तो कॉमन थी ना भैया कि यहां एम्प्लॉयर भी है और एम्प्लॉय भी। तो भैया जिन जिन लोगों के लिए, जिन जिन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए फिक्स किया गया, मैं इसे वन लिख देता हूं, जिन जिन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए फिक्स किया गया कि यहां मिनिमम वेजेस का कुछ ना कुछ अमाउंट तो भैया फिक्स करेंगे और इतनी मिनिमम वेजेस तो आपको कम से कम देनी पड़ेंगी, तो भैया उन एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले लोग जो थे, वो जो एम्प्लॉई थे, उन लोगों को ये पैसा मिलना था, बोलो हां या ना? मिलना था जी। तो उन एम्प्लॉईज को भी तो जानना पड़ेगा कि आखिरकार इस एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉई मैं किसे कहूंगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और इन एम्प्लॉयज को पैसा देने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? एम्प्लॉयर की। यानी मुझे यह भी पता करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर कौन है। क्यों? इसलिए पता करना पड़ेगा कि अगर इस एम्प्लॉय को पैसा न मिला तो भैया किसे पकड़ा जाए, किसको मैं कहूंगा कि भैया तुम एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हो, इसीलिए यह पैसा भी तुम्हें देना पड़ेगा भैया, और अगर नहीं दिया तो लायबिलिटी भी तुम्हारी है। क्या? कितना पैसा? मिनिमम वेजेस जितनी फिक्स की गई है। किस एम्प्लॉई को? वो कहेगा जी तो मेरा एम्प्लॉई नहीं है। तो भैया एम्प्लॉई की डेफिनेशन भी कि भैया हर वो व्यक्ति जो इस डेफिनेशन में आता है वो एम्प्लॉई है, और आपके पास काम करने वाला व्यक्ति जो है वो इस कैटेगरी में आता है, इसीलिए आपका एम्प्लॉई माना जाएगा और आप हो एम्प्लॉयर। आप इस एम्प्लॉयमेंट में, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में दोनों आते हो, इसीलिए मिनिमम वेजेस का अमाउंट भी आपको देना पड़ेगा। यानी ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया नंबर एक, ये वाकई शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं और इस एक्ट के हिसाब से ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, और इसीलिए इसको मिनिमम वेजेस देनी पड़ेंगी।
तो एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? वेजेस दे रहा है। तो भाई एक डेफिनेशन तो वेजेस की भी बनती है। वेजेस किसको देगा? अपने एम्प्लॉई को। इसको नंबर चार कर देते हैं। यानी इससे पहले कि मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस बढ़ जाऊं, वेजेस की भी तो डेफिनेशन मुझे आनी चाहिए कि आखिरकार वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी ये बात तय हो गई कि सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट को देखा जाएगा कि भैया उसका जो शेड्यूल है उसके पार्ट वन या पार्ट टू में कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आते हैं। आते हैं जी। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को ये वेजेस देता है और ये वेजेस मिनिमम होनी चाहिए। इस वेजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है उसकी लिस्ट आएगी, क्या इंक्लूड नहीं होता है उसकी लिस्ट आएगी, किस किस को मैं एम्प्लॉयर कहता हूं उन लोगों की लिस्ट आएगी, किस किस को मैं एम्प्लॉई कहता हूं उस पर्सन की लिस्ट आएगी। क्या यह बात ठीक है कि नहीं? यानी अब मेरे सामने जो सबसे पहला सवाल आगे खड़ा हुआ है वो ये है कि भाई एम्प्लॉयर आखिरकार है कौन? तो भैया सीधी सीधी बात है, एम्प्लॉयर वो पर्सन है हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन, हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन। ठीक बात है कि नहीं? दूसरे पर्सन को वो जॉब देता है। ठीक है कि नहीं? अब हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन, लेकिन कैसे? आइदर डायरेक्टली। कैसे? आइदर डायरेक्टली, यानी वो खुद इसे, इस बंदे को खुद डायरेक्टली जो है अपने पास एम्प्लॉय करता है, या फिर वो किसी और के थ्रू उसे एम्प्लॉय करता है, और थ्रू अनदर पर्सन। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? एम्प्लॉय कर रहा है किसी और व्यक्ति को, या तो खुद कर रहा है या किसी के द्वारा करवा रहा है। या तो वो इसे अपने खुद के मतलब के लिए करेगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? क्या वर्ड्स कहे मैंने? या तो अपने खुद के यानी अपने बिहाफ पर करेगा, और या फिर किसी के और के बिहाफ पर करेगा। ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। क्या ये बात समझ आएगी नहीं? तो ये बात तय रही कि पर्सन इंप्लॉय कर रहा है, या तो डायरेक्टली कर रहा है या किसी के द्वारा कर रहा है। किसी के द्वारा यानी इनडायरेक्टली कर रहा है, या तो अपने बिहाफ पर कर रहा है या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन कर रहा है। यानी एक व्यक्ति ने अपने लिए किया तो वो खुद आ गया, खुद ही ओनर है भाई, या उसने किसी एजेंट्स के थ्रू उसे एम्प्लॉय करवाया, या मान लो एक ओनर है और उसने अपने मैनेजर को रखा हुआ है और उस मैनेजर की ड्यूटी लगाई हुई है कि भैया तुम एम्प्लॉय करवाओगे। तो ओनर तो भैया खुद इसके लिए एम्प्लॉयर के लेवल पर आ ही गया, साथ ही साथ उस मैनेजर की जो ड्यूटी लगी है वो मैनेजर एम्प्लॉयर कहलाएगा। क्या बात समझ आई कि नहीं? तो भले ही मैनेजर ओनर नहीं है लेकिन उसने एम्प्लॉय तो किया। यस। और अगर एम्प्लॉय किया भैया तो मिनिमम वेजेस का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी किसकी थी? उसी मैनेजर की थी मेरे भाई। क्या ये बात समझ आई? अब इस आप अभी लिखेगा मत इसे, इसको बाद में लिखेंगे और ये थोड़ा सा और बड़ा होने वाला है, इसको बिल्कुल एक बॉक्स में लेकर आना है आपने। तो आप क्या करिएगा, अपनी कॉपी के डबल पेज को खोल लीजिएगा, लेफ्ट वाले पेज पर आपने ये सारा लिखना है। मैं यहां से लेकर के अगले लेवल पर जाऊंगा और फिर इसे रब कर दूंगा, फिर वेजेस की डेफिनेशन कराऊंगा, फिर एम्प्लॉय की, या पहले एम्प्लॉय की या फिर वेजेस की, जैसे भी होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रोसेस जो है अभी आगे तक चलेगा। आप इस हिस्से को जब लिखेंगे तो अपनी कॉपी के दो पेजेस बीच वाले पेजेस से करिएगा और लेफ्ट वाले पेज में एक्सट्रीम लेफ्ट में पहले एम्प्लॉयर की डेफिनेशन लिखेंगे आप। इज दैट क्लियर? बीच में बिल्कुल वेजेस की आएगी और एक्सट्रीम राइट पे एम्प्लॉय की। इसके बाद भी और आगे बढ़ना है,
ठीक है, तो उसके नीचे जो जगह खाली होगी वहां पर हम और डेफिनेशन डालेंगे। एट द एंड जब ये पूरा चार्ट बन जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपको एक ही बार में नजर आने लगेंगी। तो अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि कहां कहां पर आखिरकार हमें ये लोग मिलेंगे। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले लिखना चाहूंगा भैया कि फैक्ट्री के केसेस में क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फैक्ट्री के केस में आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं एम्प्लॉयर मानूंगा। फैक्ट्री कौन सी भाई? सीधी सीधी बात है, वो फैक्ट्री जो कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में आती है, वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए मिनिमम वेजेस का अमाउंट फिक्स किया गया। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, अगर मैं वर्ड लिखता हूं फैक्ट्री तो फैक्ट्री विच कम्स अंडर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर विच मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये लाइन आपकी हर जगह आपको नजर आएगी, बट मैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीज निकाल रहा हूं कि आखिरकार इस फैक्ट्री के लिए मैं किस व्यक्ति को क्या मानूं, मैं किस व्यक्ति को इसके लिए ओनर एम्प्लॉयर मानू। तो भैया फैक्ट्री का जो मैनेजर है मेरे दोस्तों, मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, यही वो व्यक्ति है जो कि एम्प्लॉयर माना जाएगा, चाहे वो इस फैक्ट्री का ओनर हो या नहीं, क्योंकि मैनेज वो कर रहा है। और आखिरकार मैनेजर की डेफिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। मैनेजर कौन होता है या नहीं होता, ये कैसे पता लगाएं? तो मैनेजर कैसे, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, आप उसमें यही लिख दीजिएगा मैनेजर, एज पर वो मैनेजर जिसको डिफाइन कहां किया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जैसे डिफाइन किया गया है। इज दैट क्लियर? तो आपको यहां पर पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रीज एक्ट हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लिखना की जरूरत है कि भैया ये पर्सन मैनेजर है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मान लो बात होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है, यानी गवर्नमेंट की कोई ना कोई कॉरपोरेशन है, कंपनी है, तो भाई उसमें क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है, गवर्नमेंट दो तरह की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एक तीसरी भी गवर्नमेंट होती है विच इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि एमसीडी, एनडीएमसी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं फैक्ट्री की बात कर लूं, फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री है वो एम्प्लॉयर है। दूसरे केस में अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है दोस्तों, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में या तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट किया होगा कि भैया यही वो पर्सन है जो इसका एम्प्लॉयर माना जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो पर्सन अपॉइंट नहीं किया गया, यानी या तो भैया ये होगा पर्सन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, पर्सन अपॉइंटेड, और अगर पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो कौन आएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी अगर मैं बात करूं मान लो रेलवे के डिपार्टमेंट की, तो भैया उसका हेड कौन होता है, मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, तो वही हेड है और वही क्या माना जाएगा, जिम्मेदार। या तो रेलवे में, इंडियन रेलवे में अगर कोई इंप्लॉई काम कर रहा है और उसकी मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है, तो भैया कोई ना कोई पर्सन अपॉइंटेड होगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो भैया जो रेलवे मिनिस्टर है यानी हेड है, उस रेलवे मिनिस्ट्री का हेड कौन है, रेलवे को चलाने वाला भैया रेलवे मिनिस्टर, तो इसीलिए वही पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा और वही उस मिनिमम पैसे को ना देने के लिए लायबल भी माना जाएगा। क्या ये बात समझ आई? फिर अगली बात है हमारे सामने कि आखिरकार, कोशिश करते हैं यहीं पर कंप्लीट करने की, और अगर नहीं आता तो अगले पे चलते हैं। आप एक काम करिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, मैं अगले पेज, अगले पोर्शन में लिख रहा हूं, इसे मैं रब करूंगा, तो ये कंटिन्यू करेंगे आप इसके नीचे, ठीक है जी। तो अब जो हो गई बात, किसकी आई, लोकल अथॉरिटी की, किसकी बात आ गई, लोकल अथॉरिटी। मान लीजिए कोई एमसीडी में काम करता है या डीएमआरसी या एनडीएमसी में काम करता है, डीएमआरसी नहीं, एनडीएमसी में काम करता है,
तो जरा बताइए ये लोकल अथॉरिटी है या नहीं? लोकल अथॉरिटी है, पीडब्ल्यूडी में काम करता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो भैया ऐसे केस में कौन एम्प्लॉयर माना जाएगा? अगेन वही सिस्टम, या तो कोई पर्सन अपॉइंटेड होगा, और अगर पर्सन अपॉइंटेड है तो वही जिम्मेदार है, और अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड ना हो तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसी का, सीईओ, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या माना जाएगा? इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर माना जाएगा। यानी सीधा सीधा सिस्टम है, पर्सन अपॉइंटेड है तो भैया उसी को पकड़ लो कि आपने आखिरकार इस इंप्लॉई को मिनिमम वेजेस क्यों नहीं दी, और अगर वो नहीं है तो किसको पकड़ेंगे? हम उसके सीईओ को पकड़ लेंगे। सीईओ कौन है? वो व्यक्ति जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो ये हमारे केसेस हो गए। अब मैं चलता हूं इसके लास्ट पॉइंट की ओर। मान लो कोई और केस आ गया, फैक्ट्री भी नहीं है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ठीक है जी, फैक्ट्री भी नहीं है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, यानी वो व्यक्ति लोकल अथॉरिटी का भी नहीं है। तो इसके अलावा भी तो बहुत सारे केस आएंगे, सर्विसेज कोई दे रहा है तो उस केस में प्राइवेट अगर सर्विसेज की कोई कंपनी है तो भैया फैक्ट्री में आती नहीं। अब सवाल यह आता है उस केस में क्या होगा, यानी वो सारे केसेस मैंने कहां कवर कर दिए? इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस। तो ऐसे केस में किस व्यक्ति को मैं एम्प्लॉयर कह दूं? यानी पर्सन हु हैज बीन गिवन पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल, पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज। पर्सन हैज बीन गिवन पावर, पावर किसने दी वो भी लिख देते हैं, by the owner, by the owner। तो owner के द्वारा जिस व्यक्ति को power दी गई है क्या करने के लिए? To supervise and control। किस चीज को supervise and control करने के लिए? Payments। किसको payment? Payment of wages to employees। तो वो व्यक्ति जिसको appoint किया गया है वही व्यक्ति क्या माना जाएगा? इस चीज के लिए employer माना जाएगा। तो भैया तुम्हें मैंने अगर सारी की सारी power दे दी कि तुम ये सारी चीजें handle करो, इंप्लॉइज को हायर करो, उनको जो पैसा देना है वो वेजेस दो, तो ऐसे केस में भैया जिसको ये पावर दी, जिसको ये कंट्रोल दिया, वही एम्प्लॉयर भी कहलाएगा। तो मैं दोबारा बता दूं कैसे लिखना है। आपने बुक के, सॉरी कॉपी के दो पेजेस खोलिए, ये बिल्कुल बीच में लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में आकर ये एक के नीचे एक लिखना शुरू करिए, और फिर मैं ये रब करने के बाद आपको इंप्लॉई या वेजेस की डेफिनेशन कराता हूं। इज दैट क्लियर? वेजेस की डेफिनेशन बीच में आएगी और एम्प्लॉय की डेफिनेशन कंप्लीट बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में। नोट करिए दोस्तों,
चलें जी दोस्तों आगे। तो मैं इसे पहले रब कर देता हूं, इंप्लॉय की डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। एक्सट्रीम राइट में आप लिखेंगे इंप्लॉय की डेफिनेशन, ठीक है जी, और बीच में जगह छोटी होनी चाहिए वेजेस की डेफिनेशन लिखने के लिए, और सबसे नीचे उसके जो जगह बचेगी वहां पर हमने और डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि जुड़ी हुई है चीजें इसलिए एक सर्कल बन जाएगा। तो अब मैं चलने वाला हूं इंप्लॉय की तरफ। अब भाई इंप्लॉय कौन है? इंप्लॉय भी आखिरकार काम तो भैया इसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में ही कर रहा है, वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जिसमें मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया है और इसे हायर किया गया है, इंप्लॉय को हायर किया गया है किस चीज के लिए? फॉर रिवॉर्ड। बोलो ठीक बात है कि नहीं? सैलरी मिलेगी भाई तुम्हें काम करोगे तो। यानी इंप्लॉई हमारा वो व्यक्ति हो गया जिसको हमने हायर किया फॉर हायर और रिवॉर्ड, कि भैया तुम्हें पैसा मिलेगा। पर्सन एम्प्लॉयड, ये तो एम्प्लॉय कर रहा था, एम्प्लॉयज लिखा था, तो मैंने यहां क्या लिख दिया? पर्सन एम्प्लॉयड फॉर, एम्प्लॉयड वेयर वो भी बताते हैं, इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वेयर मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। सो वो बात कॉमन है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। सो पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड, ठीक है जी, कैसा काम करने के लिए भाई? कैसा काम करने के लिए? चाहे क्लेरिकल हो, मैनुअल हो, टेक्निकल हो, कैसा भी काम हो। यानी इस पर्टिकुलर केस में अपने पास स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लेरिकल सारे के सारे काम आ गए। क्या वर्ड्स कहे मैंने? कैसे काम आ गए? स्किल्ड, अनस्किल्ड। सो पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू, कैसा काम करने के लिए? स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी स्किल की जरूरत है या नहीं है। क्लेरिकल है या मैनुअल है? क्लेरिकल है, मैनुअल है, जैसा भी काम हो भाई। अब कैसे मिलेगा ये पैसा? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये टर्म्स, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये टर्म्स एक्सप्रेस भी हो सकती है मेरे भाई और इंप्लाइड भी। इंप्लाइड का मतलब जैसे कि एक फैक्ट्री है और वहां पर लोग काम करने आते हैं भाई, पर डे का 300 रुपया मिलता है या 200 रुपए मिलता है, और ये फिक्स्ड है, इंप्लाइड है सारी की सारी टर्म्स, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी मार्केट जानती है भैया कि यही रेट चल रहा है। तो ऐसे केस में उन्हें कहा नहीं जा रहा, बस एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक हो गई एक्सप्रेस टर्म्स, एक्सप्रेस का मतलब कि इंप्लॉय करने से पहले उसे बताया जाएगा, लिखा पड़ी होगी कुछ, ठीक बात है कि नहीं, या सिर्फ एक्सप्रेशन दिया जाएगा। तो टर्म्स चाहे, और किन टर्म्स पे कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कितने रुपए मिलेंगे, ऐसी हर चीज वो सारी मिला करके टर्म्स बनती हैं। तो कोई भी एम्प्लॉई हु इज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वेयर मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, दैट पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू स्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लेरिकल और मैनुअल वर्क, मतलब जैसा भी काम करना हो, ठीक है ना। कैसे करेगा? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक्सप्रेस्ड अनएम्प्लॉयड, तभी तो पैसा मिलेगा मेरे भाई। एंड इट इंक्लूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिंग अप, एंड इट इंक्लूड्स एन आउट वर्कर। आउट वर्कर जानते हो क्या होता है? बाहर से आया, काम किया, जैसे कि होम वर्कर होते हैं। होम वर्कर का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे बीड़ी बनती है या अगरबत्ती बनती है, एम्प्लॉयर बड़े चला के भाई अपना पूरा प्रिमाइसेस यूज नहीं करा, क्या किया? बीड़ी बनाने वालों को बुला लिया,
आ जाओ भाई ये लो तेंदू लीव्स ले जाओ, तेंदू लीव्स जिनसे बीड़ी बनती है, ये लो धागा, ये लो पैकिंग का पेपर, जाओ इतने किलो माल दिया है इसकी इतनी बीड़ी बनेगी, ये लेकर आओ और अपना पैसा ले जाओ। और वो सारा का सारा रॉ मटेरियल अपने घर पे ले जाते हैं, घर पे सारा का सारा परिवार ही बीड़ियां बना रहा है भाई, या अगरबत्तियां बना रहा है, ऐसा होता है, हैंडमेड ऐसे बनती है। अब वो पूरी पैकिंग करते हैं, उतना ही कितना किलो माल बनना है वो सारी की सारी कैलकुलेशन एम्प्लॉयर के पास है, वो आएगा उसको वेट किया जाएगा, वेट मेजर करने के बाद माल चेक करने के बाद उसको पैसा दे दिया जाएगा। यानी एम्प्लॉयर अपना मटेरियल दे देता है, भैया जाओ और घर से बना कर लाओ। ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है ना, उस चीज को बनाना। ऐसे और भी प्रोसेस है, सो इट इंक्लूड्स एन आउट वर्कर एम्प्लॉयड फॉर विच पर्पस, एम्प्लॉयड फॉर, ध्यान से देखना, अब वो तरीके बता रहे हैं भाई कैसे कैसे आ सकता है, वॉशिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लीनिंग का बहुत बड़ा काम है, ऑल्टरिंग और रिपेयरिंग, फिनिशिंग, फिनिश करने का काम, और ऑर्नामेंटिंग, अडैप्टिंग, और प्रोसेस्ड फॉर सेल, उसका प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस्ड फॉर सेल, प्रोसेस्ड फॉर सेल, सेल है ये। तो किया क्या, उन लोगों को इन सब कामों के लिए बुला लिया कि भैया जाओ ये काम करके लाओ, वॉशिंग का, क्लीनिंग का, ऑल्टरिंग का काम, रिपेयरिंग का काम, फिनिशिंग, ऑर्नामेंटिंग, अडैप्टिंग, तरह तरह के काम है भाई। जैसे कि किसी ने घर पे कोई एक खराद मशीन लगाई हुई है, खराद मशीन क्या होती है, जिसके अंदर जैसे कोई पीतल का सामान है, जैसे आपने रॉड्स देखी होंगी जिसके अंदर वॉटर हीटर जैसे लगता है, वॉटर हीटर के अंदर रॉड होती है एक जो पानी को गर्म करती है, इमर्शन रॉड भी आपने देखी होगी जो नॉर्मल चलती है, उस इमर्शन रॉड के अंदर एक पीतल का बहुत बड़ा फिक्स करने के लिए उसे एक मटेरियल लगा होता है, उसको पूरी तरह से उसके अंदर चूड़ी बनाना, ये काम करना मशीन से होता है, एक पर्सन हाथ से उसके अंदर मशीन उसके अंदर चूड़ी बनाता है, तब जाके वो अंदर, जैसे आप बॉटल के ढक्कन को देखते हैं तो बॉटल के ढक्कन को बंद करने के लिए क्या होता है, ये एक चूड़ी बनी हुई है और आप इसको घुमाते हैं और ये बंद हो जाती है, वैसे ही उसके अंदर काम होता है। ये सब क्या है, ये सब काम आपके प्रोसेसिंग के या फिर ऑल्टरिंग के, आपने सामान दिया ऑल्टर करना है उसे, फिनिश करना है उसे, यानी बफिंग करते हैं जब उसका कलर निकालने के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको पहले हीट करना पड़ता है, हीट करने के बाद पता लगा कि अब उसका तो रंग काला हो गया, इमर्शन रॉड की बात ले लें, तो उसे हीट किया, चेक किया, चेक करने के बाद अब उस पर क्या होगी, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की पॉलिश होगी, निकल प्लेटिंग जिसे बोलते हैं, वो किसी और जगह प्रोसेस में जा रही है, अपने पास लेके जा रहा है या कहीं और कर रहा है, सारे प्रोसेसेस अपने पास कई लोग नहीं करवाते, उसके लिए आउट वर्कर को अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर? ऐसे न जाने हजारों काम हैं जो कि लोग अपने घरों में करते हैं या तो अदरवाइज किसी और जगह पर जाके वो काम करके लाके देते हैं। जैसे कि पापड़ बनाने की बात, एक कंपनी ने सामान दे दिया कि लाओ जी लाओ, ये लेडीज ले जाओ और पापड़ बनाओ। अब लेडीज घर पे क्या करेंगी, वैसे तो छतों पे पापड़ बनाए जा सकते हैं, लेकिन लेडीज ने क्या किया, भाई यहां तो जरा मुश्किल है, चलो ग्राउंड में चलते हैं, खाली पड़ा है भाई, तो वो सारी की सारी लेडी सामान ले गई, उसको उठा करके बनाया और ले जाके ग्राउंड में बनाया और सुखा दिया, थोड़ा सा सूखा घर की छत पे डाल दिया, अगर वो अवेलेबल नहीं तो ऐसी जगह पर लेकर गए जहां पर वो सब काम पॉसिबल है।
यानी ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर एम्प्लॉयर सामान दे देता है, ये आउटवर्कर या तो अपने घर पे जाके काम करता है या ऐसी किसी जगह पर जाके काम करता है विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट एम्प्लॉयर, यानी अनदर पर्सन जिसने काम दिया है। तो एम्प्लॉई चाहे मेरे पास आए, मेरी फैक्ट्री में काम करे, वो मेरा एम्प्लॉई हो गया, या मैंने किसी और व्यक्ति को बुलाया कि भैया ये सामान ले जाओ और काम करके लाओ, वो इस सामान को ले जा करके या तो अपने घर पे बनाता है, घर पे सब काम करता है, वॉशिंग क्लीनिंग, जैसे बहुत सारी टेंट की बातें करता हूं मैं, टेंट को धोने का भी तो काम होता है ना, टेंट आपने लगा तो दिया लेकिन उसकी वॉशिंग कहां होगी, तो उसके लिए कई लोगों को अपॉइंट किया होता है, नदी के किनारे वो ले गए और वहीं ले जाके उनको उन लोगों ने क्लीन किया, वॉश किया और फिर ले जाके सुखा करके किसको दे दिया, टेंट के ओनर को दे दिया। इतने बड़े बड़े टेंट लगते हैं भाई, क्या एक ही बार में लगाने के बाद खराब हो जाते हैं? ऐसे भी आते हैं भैया, वन टाइम या टू टाइम या परमानेंट नहीं होते, फॉर द टाइमिंग लगे हैं, टेम्परेरी, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो कि जानदार हैं कपड़े, टेंट का कपड़ा एक बार धुल गया वो बार बार दोबारा से यूज होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो कहने का मतलब कई सारे एग्जाम्पल है, वो नदी उसका घर तो है नहीं आउटवर्कर का, और ना ही वो एक ऐसा प्लेस है जो कि एम्प्लॉयर की ओनरशिप में है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो दोबारा से बात करते हैं, पर्सन एम्प्लॉय किया हायर और रिवॉर्ड के लिए, स्किल्ड है या अनस्किल्ड, क्लेरिकल है या मैनुअल, किसी भी काम के लिए रखा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम करेगा, वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है, और इस केस में उस आउट वर्कर को भी इंक्लूड करते हैं जो ये सब काम करता है, वॉशिंग, क्लीनिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, ये सब काम, प्रोसेसिंग फॉर सेल, किस चीज के लिए, फॉर ट्रेड और बिजनेस। और कहां पे काम करता है बताइए मैंने बात, आइदर एट हिज होम फॉर ट्रेड और बिजनेस, कहां पर काम कर रहा है, मैं इसके बाद वाला हिस्सा यहां लिखने जा रहा हूं, इसे रब कर देता हूं मैं, इसके बाद क्या लिख रहे हैं, आइदर एट हिज होम दोबारा लिखते हैं, एंड इट इंक्लूड्स एन आउट वर्कर एम्प्लॉयड फॉर वॉशिंग क्लीनिंग, आइदर एट हिज होम, आउट वर्कर या तो अपने उस पर काम करेगा, और at a place not in the या not related to employer, क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? ये है दोस्तों हमारा एम्प्लॉई, क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसके अलावा भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है, क्या ये बात समझ आई? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है, डिक्लेयर किए हुए एम्प्लॉइज जिनको इस एक्ट के हिसाब से हम एम्प्लॉई कहते हैं, तो मैं उनको भी यहां पर एड कर देता हूं, और the list provided by appropriate government of appropriate government for defining employees, क्या बात समझ आई? But does not include
बट डज नॉट इंक्लूड क्या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जहां जहां आर्म्ड का मतलब क्या है, जिनके पास हथियार, हथियारबंद सेना, कहीं कर भी आर्मी हो या कुछ भी हो, वो इस तरह के लिस्ट में नहीं आते. बट डज नॉट इंक्लूड वॉट आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, बट डज नॉट इंक्लूड आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन. यूनियन यानी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये है दोस्तों इंप्लॉय की कहानी. मैं दोबारा बोल दूं कि इसे एक्सट्रीम राइट में लिखेगा, राइट वाले पेज में, और एक के नीचे एक आए, और बीच में आपके पास वेजेस के लिए जगह खाली होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ड हम ये यूज कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि मिनिमम वेजेस को फिक्स करने वाली है और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करने वाली है, वो कौन होती है. क्या ये बात समझ आई? नोट करिए फटाफट, फिर चलेंगे आगे. तब तक एक छोटा सा और काम कर देता हूं बीच में. शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में हमने पार्ट वन पार्ट टू में नाम तो लिख ही दिए थे, बट इसमें और क्या इंक्लूड होता है, तो सारे के सारे पार्ट वन और पार्ट टू में जो नाम है वो तो इंक्लूड है ही है. ये तो मेरे भाई इंक्लूडेड है ही है. एंड और क्या इंक्लूड है? ये वो एम्प्लॉयमेंट जिसमें इंक्लूड है, एंड देयर प्रोसेसेस और ब्रांच. प्रोसेसेस का मतलब हो गया जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है. अगर मैं कहूं कि भाई माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री, मैच बॉक्स, मैच स्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट हो गई, पार्ट वन में आ गई. अब उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक. ठीक है जी, मैच स्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये उसके प्रोसेसेस हो गए. ब्रांच क्या हो गई? यानी वन ऑफ द वर्क इंक्लूडेड इन इट, जैसे कि पैकिंग, पैकिंग ऑफ मैच बॉक्सेस विच आर लेस हार्मफुल. ठीक है कि नहीं? मैं अब ये क्यों आखिरकार बातें बता रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि जब हम पर्सन की बात करते हैं ना, इस पर्सन की बात करते हैं, तो ये भाई कौन है, कितनी एज है इसकी, ये क्वेश्चन भी आता है. कोई भी हो सकता है. तो जब आप इसे लिख लेंगे पूरा नीचे तक, तो मैं इसी पर्सन को लेकर के एक और डेफिनेशन दे दूंगा आपको, फिर मैं वेजेस पर आऊंगा. इज दैट क्लियर? तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में पार्ट वन पार्ट टू के जो भी नाम लिखे गए उनके साथ क्या इंक्लूड है? उन एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए प्रोसेसेस, उन एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई ब्रांचेस. ठीक है कि नहीं? ब्रांचेस यानी उनके काम से जुड़ी हुई ब्रांचेस. ठीक बात है कि नहीं? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. स्टेजेस होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर पैकिंग हुई, पैकेजिंग हुई, फिर पैकिंग हुई. ठीक है, इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे.
चलें जी आगे। तो ये थी हमारी इंप्लॉयज की डेफिनेशन। अब सवाल यह आता है कि इंप्लॉय आखिरकार बनेगा कौन। वेजेस की डेफिनेशन पर भी आऊंगा। तो जैसे आपने अभी दो पेजेस में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, लेफ्ट वाले पेज पे एम्प्लॉयर लिखा है, जगह बाकी रही, बीच में भी जगह बाकी, और दूसरे पेज के राइट हैंड साइड पे एम्प्लॉई लिखा हुआ है, ये बीच में सारी जगह बाकी होनी चाहिए। अब इस पर्सन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों कि पर्सन कौन हो सकता है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे, हालांकि देखो चाइल्ड लेबर के बहुत सारे रूल्स हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे भी केसेस हैं जहां पर चाइल्ड लेबर, जहां पर लेबर को अलाउ किया गया विच आर नॉट हार्मफुल टू चिल्ड्रन नंबर वन, और वो लोग उस बच्चे की एजुकेशन का बीड़ा उठाएं, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखें, उसके स्कूल टाइमिंग से जुड़ी हुई सारी की सारी बातों का ध्यान रखें। ऐसे भी केसेस आएंगे आपके पास, ठीक है जी। तो पर्सन आखिरकार है कौन, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मेरे सामने मेरे भाई, पर्सन के तीन रूप आते हैं। सबसे पहले बच्चा, चाइल्ड, फिर एडोलेसेंट, और फिर एडल्ट, पूरी तरह परिपक्व। तो भाई चाइल्ड जो है, चाइल्ड की एज, वो एज क्या है, बिलो 14 इयर्स, तो वो चाइल्ड कहलाएगा। अगर इस चाइल्ड से काम करा रहे हो आप भैया, तो भी उसके रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है जी। कैसा काम करवा रहे हो वो भी देखना पड़ेगा, जो काम अलाउड है वही करवा सकते हो, एजुकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं। एडोलेसेंट कौन है, वो व्यक्ति जिसने 14 साल की एज तो पूरी कर ली, हु इज इक्वल टू और मोर देन 14 इयर्स, यानी जो कि 14 साल के बराबर है या बड़ा है। चिल्ड्रन, चाइल्ड, ये कौन है, 14 साल से छोटे। तो भाई 15 से 18 के हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 15वें में लग गया, जैसे बोलते हैं ना 15 to 18, तो एग्जैक्ट वर्ड उसके क्या है, 14 इयर्स और अबव बट लेस देन 18 इयर्स, 18 साल की एज उसने अभी कवर पूरी नहीं की है, रीच नहीं की है। और एडल्ट कौन हो गया भैया, जिसकी एज इज मोर देन 18, जिसकी एज इज मोर देन 18 और इक्वल टू 18। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो एडोलेसेंट जिसने 14 साल की उम्र पूरी कर ली, इक्वल टू और मोर देन दैट बट ही इज लेस देन 18। एडल्ट कौन है, जिसने 18 साल की एज रीच कर ली या उससे आगे चला गया। चाइल्ड कौन है, जो 14 साल से छोटा है। ये सारे के सारे पर्सन अगर कहीं ना कहीं किसी भी लॉफुल तरीके से एम्प्लॉयड हैं, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो उसके एम्प्लॉयर को, इस एम्प्लॉई को जो कि पर्सन एम्प्लॉय किया गया है, इनके रूल्स के हिसाब से उसकी मिनिमम वेजेस देनी पड़ेंगी। क्या ये बात समझ आई। अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा वेजेस पर कि वेजेस आखिरकार क्या चीज है, और फिर वेजेस से ही हम पहुंचेंगे मिनिमम वेजेस पर कि मिनिमम वेजेस अगर निकालेंगे तो भाई कौन से कंपोनेंट्स को ऐड करें, कौन से कंपोनेंट्स को ऐड ना करें। उससे पहले हमें जानना होगा कि भाई वेजेस आखिरकार क्या चीज होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। नोट करिए दोस्तों,
चला जाए दोस्तों आगे, तो अब आपके उस डबल पेज में बीच में जो जगह बच गई है वहां वेजेस के बारे में लिखना हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, इसी एक फ्लो चार्ट के बेसिस पर ही आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस पूरी की पूरी कवर हो रही है मेरे भाई। सिस्टम समझ में आ रहा है आपको? तो अब सवाल ये आता है भाई कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, जिस मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं हम कि इतने तो होनी चाहिए भाई मिनिमम, उस वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा? मान लिया जाए कि मिनिमम वेजेस का मैंने कोई एक्स अमाउंट फिक्स कर दिया, अब वेजेस के भी तो बहुत सारे कंपोनेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सबको मिला करके तो भाई दिस इज मोर देन एक्स। ये जो अमाउंट आपका बन रहा है, मान लो अमाउंट ऑफ वेजेस, दिस इज मोर देन एक्स, इस एक्स अमाउंट से ज्यादा है। आपने कहा जी मिनिमम वेजेस तो हो गई फाइनल, बढ़िया है। जितनी चीजें आपने लिखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनको ऐड करके देख लो मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम वेजेस आनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो हम तो भैया रूल को फॉलो कर रहे हैं। पता उसमें ये चला भाई कि ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीजों को तो इस वेजेस की डेफिनेशन में लिया ही नहीं जाता। वेजेस की डेफिनेशन में तो खाली पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को लिया जाता है। अब इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करके अमाउंट निकालता हूं, दिस इज लेस देन मिनिमम वेजेस, जो एक्स अमाउंट मिनिमम वेजेस का डाला गया, तो इसका मतलब आप इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। यानी मिनिमम वेजेस का जो अमाउंट तय किया गया है उस अमाउंट को कैलकुलेट करके कंपेयर करने के लिए जब मैं लिखूंगा तो मैं इस वेजेस के कंपोनेंट्स को भी चेक करूंगा कि भाई इस वेजेस में मुझे वेजेस की डेफिनेशन में मुझे किसे इंक्लूड करना है और किसे इंक्लूड नहीं करना है। मैं अब इसकी डेफिनेशन आपको करवाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। सिस्टम बताया है मैंने आपको ये, जैसे कि वेजेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वेजेस क्या है, एग्जाम्पल ही बताऊंगा मैं आपको इसका, पहले वेजेस समझ लेते हैं। अब वेजेस क्या है? वेजेस वो अमाउंट है, एनी रेम्यूनरेशन विच इज पेबल इन कैश, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैश। क्या वर्ड्स बोले मैंने? वेजेस इज द रेम्यूनरेशन, मेहनताना। रेम्यूनरेशन क्या होता है? मेहनताना। वेजेस इज द रेम्यूनरेशन विच इज केपेबल, अगले पे लिखता हूं, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इट इज द रेम्यूनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, विच इज पेबल After the fulfillment of terms of employment, याद है ना terms of employment? भैया तुमने terms of employment को पूरा किया तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, चाहे ये terms कैसी हो, express या implied, whether expressed or implied,
यानी ये पैसा जो कि रेम्युनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो पेबल तभी होगी जब आप टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पूरा करेंगे, चाहे वो टर्म्स एक्सप्रेस्ड हो या इंप्लाइड हो. एंड इट इंक्लूड्स, ये तो हो गई सैलरी, बेसिक वेजेस हो गई है ना, जो भी कैश में पे कर रहे हैं. एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करोगे? केवल एक और चीज ऐड करोगे, हाउस रेंट अलाउंस. बड़ा हुआ है ना हाउस रेंट अलाउंस, टैक्स में बड़ा अच्छी तरह से. हाउस रेंट अलाउंस HRA को इसमें इंक्लूड किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट डज नॉट इंक्लूड, बट क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता इसके बाद आपने ये लिखना है. बट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले, जैसे आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जाती है, देखा ना आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस अकोमोडेशन के भैया रहो, ये घर एम्प्लॉयर का है, यहां रहो आप, हाउस मिल गया आपको बाय द एम्प्लॉयर, गिवन बाय एम्प्लॉयमेंट, अकोमोडेशन मिल गई, मैं सीधा अकोमोडेशन लिख देता हूं. या साथ में पता लगा जी लाइट का खर्चा भी आपका एम्प्लॉयर ही दे रहा है, इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करने वाले. बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू को, हालांकि पैसे में मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है नहीं, मगर हम इसे इंक्लूड नहीं करते. मिनिमम वेजेस में ये चीजें नहीं आती, मतलब वेजेस की डेफिनेशन में ये नहीं आती, यानी जब हम मिनिमम वेजेस को टोटल कैलकुलेट कर रहे होंगे, इन चीजों को हमें इग्नोर करना है, भले ये एम्प्लॉय को मिल रही हो. तो भैया अकोमोडेशन, लाइट, वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई मिल गई मान लो, उसे नहीं इंक्लूड होगी. मान लो मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए अटेंडेंस कुछ मिल गई, लो जी लो आप बीमार हो तो यहां चले जाओ, ये चीज इंक्लूड नहीं करने वाले हम, ये एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से दे रहा है, बट वेजेस के अंदर इस पर्पस के लिए, मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट करने के पर्पस के लिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे. पीएफ कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, किसके द्वारा? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, अपने एम्प्लॉय के लिए, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता. उसके बाद ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रैवलिंग का खर्चा, जा किसके रहा है भैया, बिजनेस के पर्पस के लिए जा रहा है, वो इसकी इनकम थोड़ी है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा. ग्रेच्युटी का जो पैसा बनता है उसका, ग्रेच्युटी का, ग्रेच्युटी का अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ग्रेच्युटी कब? ऑन डिस्चार्ज, यानी जब उसकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेंगे, जब जाएगा तो डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगा तो ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं करते. फिर एनी अमाउंट टू डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेस, डिफ्रे का मतलब क्या होता है, जैसे उसकी जॉब कुछ ऐसी है कि उसको लोगों को एंटरटेन करना होता है, उनको किसी होटल में ले जाकर खाना वाना खिलाना होता है, और इस तरह के खर्चे कस्टमर पे करने होते हैं, तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दिया जाएगा. कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा, मगर ये उसकी एम्प्लॉय की तो इनकम नहीं है. सो भैया एनी अमाउंट टू डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेस, स्पेशल एक्सपेंसेस ड्यू टू नेचर ऑफ जॉब,
ड्यू टू नेचर ऑफ जॉब, या कोई भी अमाउंट स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एक और पॉइंट लिख लो, एनी अमाउंट स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने लिस्ट बना दी थी एम्प्लॉइज में कौन कौन काउंट होंगे, उसी तरह से एनी अमाउंट स्पेसिफाई भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा. स्पेसिफाइड बाय एजी, एजी क्या होती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें हमें, छह चीजें जो है इंक्लूड नहीं करनी है. वी शुड नॉट इंक्लूड दीज थिंग्स, इनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना. इंक्लूड किसे करना है, हर वो चीज जो रेम्युनरेशन के रूप में एम्प्लॉय को दी जा रही है, विच इज केपेबल ऑफ बींग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. एचआर इंक्लूड करेंगे इसमें, ये चीजें हम इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले. तो अब अगर आप अपनी कॉपी देखेंगे, अपनी कॉपी के ये दो पेजेस, तो आपको क्या नजर आ रहा होगा कि यहां पर बिगिनिंग में आपने ये स्पेशल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा, यहां पर आपने एम्प्लॉयर के बारे में लिखा, इधर आपने एम्प्लॉई के बारे में लिखा, एम्प्लॉई से ही एक और लिस्ट निकली पर्सन के बारे में लिखा, यहां आपने वेजेस के बारे में लिखा. तो ये आपके ब्लॉक्स बन गए, ठीक बात है कि नहीं. नीचे आपके पास जगह खाली है, ठीक बात है ना. ये जो जगह खाली है, यहां पर अब हम बात करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, क्योंकि इसी वेजेस से जुड़ा हुआ अब निकल के आएगा कि मिनिमम वेजेस क्या चीज है, कौन इसे फिक्स करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो इन दोनों की डेफिनेशन हम सीखेंगे कि भैया मिनिमम कितना, और मिनिमम वेजेस के साथ साथ ये इसे फिक्स कौन करता है, ये सब बातें हमने सीखनी है. इसे मेरे भाई नोट कर लो जल्दी से जल्दी, और फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके चलता हूं. ठीक है, नोट करिए इसे आप.